वहाँ पर डला हुआ था MPPSC 2021 रिजल्ट आउट। तो मैंने जैसे लिस्ट खोली तो सबसे पहले मैंने फटाफट महिमा टाइप किया। टू नंबर्स लिखे हुए थे, मतलब दो जगह मेरा नाम था लिस्ट में। मैं समझ गई मेरा DSP के पद पर हुआ है चयन। और फिर मेरी सिस्टर है, मैं उसके पास आई भागते हुए, मैंने कहा DSP के पोस्ट पर हुआ है सिलेक्शन। उसने कुछ नहीं बोला, उसने रोना शुरू कर दिया। MPPSC में तो बहुत ज़्यादा चलता है लूसेंट। लूसेंट मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार। ये मेरी कुछ टेस्ट कॉपीज़ हैं, ये एथिक्स की कॉपी है। फॉर्मेट पर भी मैंने काम किया है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैथ्स है, तो मैथ्स के तो मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि उसमें डायरेक्टली तीन नंबर आपको मिलते हैं। ये पॉलिटी के कुछ नोट्स हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन के बारे में है, तो मैंने सारे डायमेंशन, और मैं इसमें यहाँ पर नोट्स में ऑफिस फाइल में यूज बनाती थी नोट्स, ताकि मुझे अगर आगे कुछ अटैच करना हो तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ना जाए। ये MP की हिस्ट्री के नोट्स हैं। कोई तीन फैक्टर ऐसे बताइए मुझे आप जिन्होंने आपको DSP बनाया है। आपने जो भी गलतियाँ की हों उन पर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वन अटेम्प्ट के बाद दूसरा तीसरा अटेम्प्ट देते जाते हैं, हम अपनी गलतियों पर काम नहीं करते। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 2021 के रिज़ल्ट को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सिलेक्टेड हुए हैं 2021 में उनके इंटरव्यू लेने की और आप तक पहुंचाने की। तो आज हमारे साथ में एक नए गेस्ट हैं जिनका सिलेक्शन DSP में हुआ है। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी टॉपर्स वगैरह रहते हैं उनके नोट्स, कॉपी चाहे टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैम का शुभ नाम है महिमा चौधरी, जिनका सिलेक्शन 2021 में DSP के पद पर हुआ है। तो उनसे जानेंगे ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे क्या प्रिपरेशन किया, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। बुक लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, नोट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे आंसर राइटिंग करें, सारा कुछ हम इस इंटरव्यू में कवर करने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अपने बारे में ब्रीफ कर दीजिए। मेरा नाम महिमा चौधरी है, मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2021 में DSP का पद प्राप्त किया है, और ये मेरा तृतीय प्रयास था। मैं मूल रूप से रायसेन जिले की रहने वाली हूँ, और वर्तमान में मैं असिस्टेंट ऑडिटर के पद पर कार्यरत हूँ। लिस्ट जिस दिन आया था उस दिन का थोड़ा सा व्यू बताइए, क्या माहौल था, उसके पहले क्या हो रहा था? जिस दिन रिज़ल्ट आया, लगभग मैंने 8:30 बजे रिज़ल्ट देखा था। और उस समय जैसे कि प्रीलिम्स आने वाला था, तो मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मेरा ये शेड्यूल रहता था कि लगभग 2-1 घंटे के बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेती थी, और टेलीग्राम पर मेरा डेली का ये था कि एक बार उसे स्क्रॉल करके ज़रूर देखती थी कि कुछ आया है या नहीं। तो मैंने देखा तो वहाँ पर हर एक चैनल पर, जो भी मोस्ट चैनल रहते हैं बहुत सारे MPPSC से रिलेटेड, वहाँ पर डला हुआ था MPPSC 2021 रिज़ल्ट आउट। तो मैंने जैसे लिस्ट खोली तो सबसे पहले मैंने फटाफट महिमा टाइप किया। अच्छा। और महिमा टाइप किया तो वहाँ पर आया अनुपूरक सूची, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं वेटिंग में तो है। और फिर मैंने तुरंत जो एरो होता है उस पर क्लिक किया। टू नंबर्स लिखे हुए थे, मतलब दो जगह मेरा नाम था लिस्ट में। फिर मैंने क्लिक किया तो वहाँ पर आया राज्य उप पुलिस अधीक्षक GD। तो मैं समझ गई मेरा DSP के पद पर हुआ है चयन। फिर मेरी सिस्टर है, साथ में ही रहते हैं हम लोग। तो मैं उसके पास आई भागते हुए, मैंने कहा DSP के पोस्ट पर हुआ है सिलेक्शन। तो वो, उसने कुछ नहीं बोला, उसने रोना शुरू कर दिया। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ एकदम से। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया फटाफट, नानी को कॉल किया, और जितने भी हमारे क्लोज रिलेटिव्स थे, मामा को कॉल किया, सबको बताया। और रात के लगभग 11-12 बजे तक तो समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। और उस दिन मैं सही बताऊं तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। अच्छा जी, क्योंकि मतलब लंबे समय से इंतज़ार था, तो क्या पहले से आपको उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी DSP की पोस्ट पर? ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हाँ, पर थोड़ा सा ये माइंड में था कि किसी ना किसी पोस्ट पर हो जाएगा, DSP का नहीं सोचा था मैंने। तो शुरुआत करते थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में। PSC का कब सोचा था आपने कि मुझे इसी फील्ड में करना है, क्या पहले से डिसाइड था? जैसे कई सारों का रहता है कि जब 12th हो जाता है या 10th में रहते हैं तो सपना रहता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, तो आपका क्या था इसमें पहले? इसमें से प्री डिसाइडेड तो कुछ नहीं था। जब ग्रेजुएशन कर रही थी मैं, उसके लास्ट ईयर में थोड़ा सा हम लोग सोचने लगते हैं कि हमें आगे किस फील्ड में जाना है। राइट। तो
आसपास जिस तरह का माहौल था और कुछ लोगों से पता चला कि एमपीपीएससी जैसा कुछ होता है तो वो माइंड में थोड़ा सा आया। और उस टाइम पे मैंने सीहोर में ही एक छोटी सी कोचिंग थी जहाँ पर कम्बाइंड जो प्रिपरेशन कराते हैं एसएससी व्यापम वगैरह की, तो इतना आइडिया नहीं था तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो लगभग मैंने 3-4 महीने वहाँ पर ऐसी प्रिपरेशन की और उसके बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन जब कम्प्लीट हुआ तो फिर मैं इंदौर गई थी। इंदौर में मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और मैंने 1 साल की कोचिंग की, फिर वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2019 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, आपने पढ़ने का जो तरीका था, मतलब पहले प्री का पढ़ना चालू करा था मेंस का? जनरली लोग कुछ प्री से पढ़ रहे हैं तो कुछ मेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे स्टार्ट किया था? जी, मेरा तो ऐसा था, मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रखी। मैंने स्टार्टिंग में तो ये नहीं सोचा कि प्रिलिम्स है या मेंस है। स्टार्टिंग में मैंने जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक्सेट्रा, इनके लिए मैंने एक बेसिक बुक लिस्ट प्रिपेयर कर ली और उन बुक्स को मैंने बहुत बार पढ़ा। साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट्स मिले थे, उन्हें तैयार किया, बार बार पढ़ा। और इसके बाद जब एग्ज़ाम पास आ रहा था तो फिर मैंने मेंस पर ज़्यादा फोकस किया। प्रिलिम्स से पहले मेंस की तैयारी की, फिर जैसे प्रिलिम्स आया तो उसके लिए मैंने केवल 1 महीना दिया था प्रिलिम्स के लिए। कितना टाइम लगा था लगभग इसको तैयार करने में, चाहे प्री हो मेंस हो दोनों को? लगभग, क्योंकि मुझे तो प्रिपेयर करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन स्टार्टिंग का जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मुझे 1 से 1.5 साल में मेरा सिलेबस हो गया था। बिल्कुल 1 से 1.5 साल में, मतलब अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 से 1.5 साल में आराम से बिल्कुल आप तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपने नोट्स वगैरह भी बनाए थे? जी बिल्कुल। तो नोट्स कुछ तो मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिले थे, उन्हें मैंने रिवाइज किया। इसके अलावा जो सिलेबस चेंज हो गया था, क्योंकि वो 2019 के नोट्स थे, 2020 में सिलेबस चेंज हुआ तो उसके मैंने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए। और कुछ करंट बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इकोनॉमी और जैसे कि सोशल सेक्टर आता था, हेल्थ हो गया, सोशियोलॉजी वगैरह, इनमें मैं करंट ऐड करती गई थी। प्री वगैरह के बारे में कुछ बात करें तो प्री वगैरह कैसा था आपका? स्ट्रॉन्ग था, मतलब बन जाते थे क्वेश्चन, क्वालिफाई हमेशा हर बार क्वालिफाई हो जाते थे, कैसा क्या रहता था आपका? प्रीलिम्स में तो मैं कहूँगी कि मेरी स्ट्रॉन्ग कमांड थी थोड़ी, क्योंकि मैंने फैक्ट बेस्ड जो प्रिपरेशन है उस पर बहुत फोकस किया था। एक 2020 का प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था, उसमें मैं 1 क्वेश्चन से बाहर हो गई थी। जी, बबाकी मेरे लगभग मैंने अभी तक 5 प्रीलिम्स दिए हैं, वो सारे क्वालिफाई। कैसे स्ट्रॉन्ग किया था वैसे आपने? जैसे कि हम एमपीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा चलता है लूसेंट। लूसेंट मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार। उसके अलावा घटना चक्र पब्लिकेशन की एक एमसीक्यू बेस्ड बुक आती है जिसमें सारे स्टेट पीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो उसे भी मैंने बहुत बार लगाया था। मतलब आपको मल्टीपल एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं तो आपका आराम से प्री निकल सकता है। और जो 2021 वाला आपका एक नंबर से रुका था, 2020 वाला मेंस में अगर पेपर वाइज बात करें तो कैसे क्या उसका तैयार किया था आपने मेंस पेपर वाइज? पेपर वाइज जैसे कि फर्स्ट पेपर में हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहता है, तो उसके लिए मैंने कुछ बुक लिस्ट तैयार कर ली थी, तो साथ में कुछ बुक्स मैंने पढ़ी हैं और अपने जो नोट्स बनाए हैं उनसे मैंने बार बार रिवाइज करके फिर आंसर राइटिंग करते हुए तैयारी की। अच्छा, आंसर राइटिंग कैसे क्या की थी? क्योंकि मेन रोल जो होता है मेंस का ही होता है, तो अगर मेंस में आपका अच्छा स्कोर है तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के, तो आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए? आंसर राइटिंग सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब आप कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो उससे पहले आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिना नॉलेज के लिखने पहुँच जाते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ में तो हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है और हम उस लूप में फंस जाते हैं। जैसे कि हमने कहीं पे भी टेस्ट ज्वाइन किया, उसमें हमने एक टेस्ट दिया, उसमें हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, उसके बाद हम दूसरा टेस्ट देने पहुंच गए अधूरी प्रिपरेशन के साथ, तो हमारी प्रिपरेशन कभी अच्छी हो ही नहीं पाएगी। तो एक ये चीज़ है, तो सबसे पहले तो आप प्रिपरेशन अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लें। उसके बाद टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं टेस्ट। इसके बाद एक जो प्रॉपर शेड्यूल रहता है टेस्ट सीरीज़ का वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप घर पर दे रहे हैं तो आप खुद से अपना शेड्यूल बना लें कि पहले मुझे टॉपिक वाइज लगाना है, फिर जो पार्ट वाइज अभी पैटर्न है वो पार्ट वाइज लगाना है, और उसके बाद पूरा आप 3 घंटे का पेपर लगा सकते हैं। अच्छा, शुरुआत में आपका स्कोर क्या रहता था, मतलब कैसा? जब शुरुआत में सबका ही रहता है कि पता नहीं क्या स्कोर आ रहा है, कैसे पेपर जा रहे हैं, क्या बन रहे नहीं बन रहे, तो शुरुआत में क्या कंडीशन थी? 2019 के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, ऑनलाइन मैंने लगाई थी। वहाँ पर तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहता था, लगभग 60-75 के बीच में मेरा स्कोर रहता था। फिर लास्ट में कितना हो गया था जब अच्छे आंसर? फिर उसके बाद मैंने जो 2021 का अटेम्प्ट दिया
उसमें मैंने मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस नहीं की थी। इसके लिए जैसे कि 2020 का रिजल्ट आया था उसकी टॉपर्स की बुकलेट्स जो हैं वो हमें टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो गई थी। तो मैंने उन्हें ही देखकर अपनी जो आंसर राइटिंग है उसे डे बाय डे इम्प्रूव किया। मैं ऐसा करती थी कि उनके जो क्वेश्चंस रहते थे जो उन्होंने आंसर्स लिखे हैं उन्हें मैं सेम टू सेम लिखने की कोशिश करती थी उन्हीं क्वेश्चंस को, और फिर मैं मैच करती थी कि इन्होंने किस तरीके से लिखे और मेरा क्या परफॉर्मेंस है। मैं वहाँ से मैच करके ऐसे मैंने करा है और अलग से कोई टेस्ट मैंने इसमें नहीं लगाया। नोट्स वगैरह भी थोड़ा सा जिसे हम बता देंगे आपको कि नोट्स वगैरह की मैम ने कैसे नोट्स बनाए थे, कैसे आंसर राइटिंग किया था, ये भी हम डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना आप। इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए आप कि इंटरव्यू कैसा क्या रहा था, कैसा क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहला इंटरव्यू था आई थिंक। जी नहीं, 2019 का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, ये मेरा सेकंड वाला। ओके, मेरा पहला इंटरव्यू था, उसमें ऑलमोस्ट डेव बेस्ड ही क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था, हॉबी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। तो वहाँ का माहौल तो काफ़ी अच्छा था, वहाँ पर जो सर थे बोर्ड मेंबर और चेयरमैन वगैरह उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना जैसे एनजाइटी फील होती है ऐसा कुछ भी मुझे वहाँ पे नहीं लगा। और सेकंड जो था उसमें मुझे ये लगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा इम्प्रूव हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल, और बाकी कुछ एक दो जगह मुझसे भी गलतियाँ हो गई थी क्योंकि दोनों जो मेरे इंटरव्यू थे वो काफ़ी लास्ट में होते थे। 2019 का मेरा आई थिंक 13th नंबर पर था और ये वाला 15th नंबर पर, तो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो एक दो जगह मुझसे गलतियाँ हुई, बाकी ओवरऑल बढ़िया था। जैसा सोचा था मतलब उस डायरेक्शन में चला आपका इंटरव्यू? जी थोड़ा सा मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, बाकी ओवरऑल क्वेश्चंस के मैंने बढ़िया आंसर दिए थे, लेकिन मुझे लगा कि जहाँ पर कुछ दो तीन क्वेश्चंस थे उनमें मुझे थोड़ा सा डाउन फील हुआ और शायद उसी की वजह से स्कोर मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अच्छा, जैसे कि आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें नोट्स जो टॉपर्स रहते हैं उनके नोट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, तो चलिए हम मैम के जो नोट्स इन्होंने बनाए थे जिनसे पढ़ के इन्होंने DSP का पोस्ट लिया है वो आपको दिखाएंगे कि कैसे नोट्स से कैसे आंसर राइटिंग किया था। ये मेरी कुछ टेस्ट कॉपीज़ हैं, ये एथिक्स की कॉपी है, इसमें मैं कोशिश करती थी कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से मैं डायरेक्टली आंसर दूं जो भी क्वेश्चन की डिमांड है। जैसे कि यहाँ पर पूछा अनंत चातुष्टया, तो उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं तो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट मेंशन करके लिख दिया है। इसके अलावा जैसे कोई डेफिनेशन बेस्ड है तो उसे 3 लाइन में कंप्लीट किया है, बाकी अगर कोई एक वर्ड का आंसर है तो मैं कोशिश करती थी उसके लिए सिर्फ एक वर्ड ही लिखूं ताकि टाइम हमारे पास बच पाए दूसरे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। और इसमें जैसे पैटर्न है तो किसी किसी पैटर्न में मैंने नंबरिंग दी है, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का कर सकते हैं, और एग्ज़ाम्पल जैसे किसी में दे सकते हैं, तो ये सर्विस स्प्रिट का पूछा था तो मैंने किरण बेदी जी का एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पर। इसके अलावा जैसे 5 मार्कर पूछे जाते थे तो 5 मार्कर में कोई क्वेश्चन है तो उसमें 4-5 पॉइंट हमने दे दिए हैं यहाँ पर, और फॉर्मेट पर भी मैंने काम किया है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये गांधी जी के मॉरल थॉट्स के बारे में पूछा था तो आप कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर भी मैंने काम किया था, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उस हिसाब से फिर आंसर किया है, और एग्जांपल्स जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, और मोस्टली तो फोकस रहा है मेरा कि एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो और क्वेश्चन की जो डिमांड है वो हम फुलफिल कर पाएँ। ये ज्योग्राफी की कॉपी है, यहाँ पर 3 मार्कर में भी अगर मैं कोशिश करती थी कोई छोटा सा भी डायग्राम यहाँ पर बना पाऊँ तो ये कुछ डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मैप मैंने एक बना दिया है, MP का मैप बनाया हुआ है, और ज्योग्राफी में तो बहुत सारे मैंने डायग्राम्स और मैप्स का बहुत यूज़ किया है तो उसकी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी, और कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा है डिफरेंस बेस्ड या फिर जिसमें हम ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं तो ये भी मैंने यूज़ किया है, और जैसे वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है यहाँ पर। ज्योग्राफी में तो हम जितने ज़्यादा मैप यूज़ करें उतना अच्छा रहता है, यहाँ पर भी मैप का मैंने यूज़ किया है। ये GS3 की कॉपी है, FLT की, इसमें जैसे कि डेफिनेशन बेस्ड है तो उसमें डेफिनेशन दी है, और जैसे ये डिफरेंस है तो डिफरेंस में मैं पार्टीशन करके फिर यहाँ पर लिख देती थी। मैथ्स है तो मैथ्स के तो मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ क्योंकि उसमें डायरेक्टली 3 नंबर आपको मिलते हैं। जैसे ये है
तो यहाँ पर वन वर्ड का अगर आंसर पूछा हुआ है तो उसमें फिर मैंने वन वर्ड ही दिया है, कुछ एक लाइन में दे दिया और तीन लाइन मैंने फुलफिल नहीं करी। इसमें साइंस में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते थे जो हमसे बन नहीं पाते थे, तो वो मैं डायरेक्टली छोड़ देती थी, फिर उसमें कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक ये हम टेबल फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं आंसर्स में, जैसे ये यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। इसमें इस तरीके से मैं बॉक्स में इन्हें फिल कर देती थी ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर जैसे कि हम टाइप्स लिख रहे हैं और हमारे पास दो ही टाइप्स हैं लिखने के लिए, तो हम इस तरीके का स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहती थी कि प्रेजेंटेशन में डे बाय डे इम्प्रूव करूं और रेगुलरली प्रैक्टिस करूं। ये पॉलिटी के कुछ नोट्स हैं, इसमें जैसे कि नेशनल कमीशन के बारे में है, तो मैंने सारे डायमेंशंस कवर करने की कोशिश की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस एंड पावर्स, और मोस्टली मेरे आपको एक्सटेंसिव नोट्स ही मिलेंगे और शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत कम बनाए हैं। अच्छा, ये आपने जो हाईलाइट कर रखे हैं ये मतलब किस वजह से क्यों हाईलाइट किए थे आपने ये? इसमें मुझे कुछ जैसे लगता था कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, तो एंड मोमेंट पर रिवाइज करने के लिए मैं वो कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया करती थी। ओके। ये इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स हैं। मैक्सिमम इन नोट्स को बनाने में आपको कितना टाइम लगा था? लगभग ओवरऑल जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी उसमें मुझे 1 से 1.5 साल का समय लगा था। फिर आगे के जो अटेम्प्ट रहे उसमें मैं न्यू सिलेबस था तो ऐड ऑन करती गई आगे। ये ह्यूमन रिसोर्सेज के नोट्स हैं कुछ, तो इसमें जैसे कि डेटा वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और मैं इसमें यहाँ पर नोट्स में ऑफिस फाइल में यूज बनाती थी नोट्स, ताकि मुझे अगर आगे कुछ अटैच करना हो तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ना जाए। और साइड में ये थोड़ा सा सेक्शन में छोड़ दिया करती थी, जैसे करंट बेस्ड अगर हमें कुछ डेटा ऐड करना है तो उसके लिए ये पोर्शन छूटा रहता था। अब यहाँ पे आपने दो कलर यूज़ किए हैं हाईलाइट के जी, तो दो अलग अलग? नहीं, उसका ऐसा कुछ नहीं है, वो जो हाथ में आया वो यूज़ कर लिया। बाकी ये कीवर्ड के लिए, जैसे यहाँ पर 25% रिजर्वेशन है, अब मेंस के टाइम पर हमें बहुत सारे नोट्स रिवाइज करने होते हैं, तो जैसे ही हम ये वाला पेज खोलें तो उसमें हमें दिख गया 25% रिजर्वेशन, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, तो वो ध्यान में आता है कि हमें इन कीवर्ड्स पर लिख के आना है वहाँ पर। ओके। ये एमपी की हिस्ट्री के नोट्स हैं, इसमें ये डायनेस्टी वाला पोर्शन है, इसमें जैसे ये होलकर डायनेस्टी है तो इनके रूलर्स के बारे में लिखा हुआ है, ये तुकोजीराव वन, यशवंतराव होलकर, और इनके समय में इन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट किया था वो सारा यहाँ पर मेंशन्ड है। और जैसे कि मेंस में ये डेट लिखी हुई है तो मैं डेट्स पर भी बहुत ध्यान देती थी कि इन्हें लर्न कर लेती थी। अब मेंस के आंसर में जब हम डेट्स मेंशन करते हैं तो वो अलग ही तरीके से हाईलाइट होती है। ये इकोनॉमी के नोट्स हैं, इसमें जो नई यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी तो समय मेरे पास काफ़ी कम था, तो मैंने एक एक दो दो पेज के यहाँ पर नोट्स बनाए थे, और हर एक टॉपिक में मैं कोशिश करती थी कि एक आध डेटा वहाँ पर डाल दूँ। जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, यहाँ पर एक डेफिनेशन है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो भी जैसे करेंट में कुछ आया है या कुछ डेटा है, ये करेंसी कन्वर्टेबिलिटी कब हुई थी और डिवेल्यूएशन कब हुआ, ये सारी डेट्स वगैरह मेंशन है। इसके अलावा ये कुछ डिफरेंस है उसका दिया हुआ है। ये जैसे कि सारे डायमेंशन में कोशिश करती थी कवर हूँ, जैसे कि FDI है तो FDI में बेनिफिट्स हो गए, डिसएडवांटेजेस, हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, और इंडियन इकोनॉमी कितनी FDI फ्रेंडली है उसके बारे में दिया हुआ है। ये बाकी FDI और FPI में डिफरेंस। जैसा कि आपने देखा कि मैम ने जो भी नोट्स बनाए थे ओवरऑल आपको बता दिया कि इस टाइप से जो फ्रेम रहता है कि इस टाइप से नोट्स बनाना चाहिए, इस टाइप से प्रेजेंटेशन करना चाहिए ताकि एक आप मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगभग आपने जो नोट्स बनाए थे मतलब मैक्सिमम यही नोट्स इस टाइप से बनाए होंगे आपने सारे नोट्स। अच्छा, क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता अगर कोई नोट्स बना रहा है तो? देखिए, मैंने जो मोस्टली मेरे नोट्स हैं वो ऑफिस फाइल में बनाए हैं ताकि उसमें अगर मुझे आगे चल के कुछ एडिशन करना हो
तो उसमें प्रॉब्लम ना जाए। अगर हम जैसे कि नॉर्मल रजिस्टर्स में बनाते हैं तो वहाँ पर ऐड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो मैंने ऑफिस फाइल में बनाया तो एक ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं गई। और दूसरा ये कोई भी टॉपिक है तो उस पर आप कोशिश करें कि 360 डिग्री जितने भी डायमेंशन रहते हैं वो सारे आप वहाँ पर कवर कर लें। लाइक उसके प्रोज हैं, कॉन्स हैं, बेनिफिट्स हो गए, इम्पॉर्टेंस उसका क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, जितने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से डायमेंशन निकल रहे हैं वो सारे हम कवर कर लें, तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा वो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाए, मेरे शॉर्ट ही हैं, लेकिन कोशिश ये रहती थी कि हर एक डायमेंशन कवर। पर डे का देखा जाए तो कितना टाइम पढ़ने में देते थे आप? टाइमिंग का तो ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे लगातार? नहीं, लगातार नहीं, कभी कभी जैसे कुछ काम आ गया या कहीं जाना पड़ा तो 3-4 घंटे भी होते थे। कभी कभी पढ़ाई नहीं भी होती थी, बहुत बार ऐसा भी होता था, और कई बार एग्जाम टाइम है तो 12-13 घंटे भी हो जाते थे। अच्छा, कोई चीज़ हम पढ़ते हैं और भूलते हैं तो उसके लिए क्या करते थे आप? उसके लिए मैंने बहुत बार रिविजन किया है, उसका तो एक ही सोल्यूशन है। बहुत लोग पूछते हैं कि हम भूल जाते हैं कैसे क्या करें, तो उसका यही सोल्यूशन है कि आप जितनी ज़्यादा बार हो सके रिवाइज करें। अगर अप्रोक्स माना जाए तो कितनी बार पढ़ा होगा आपने इन नोट्स वगैरह को, चाहे लूसेंट हो, एमपी हो, कितनी बार पढ़ा होगा आप? मैंने नोट्स को तो लगभग आप 5-6 बार कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे बुक्स होती थी, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, तो इन बुक्स को मैंने बहुत बार पढ़ा है, आप 10-15 बार मानिए। मार्केट में क्या होता है कि जैसे कोई एमपी की बुक हमने ली है, अभी कुछ न्यू एडिशन निकाल देते हैं तो जाके कोई भी खरीद लेता है कि चलो नई आ गई है, ये करना सही रहता है क्या ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैंने एक बुक लिस्ट अपनी तैयार करी, फिर मैंने उसी पर अपने आप को स्टिक रखा। कोई भी जैसे कि एक एक बुक है हमारी, हिस्ट्री की हुई, एक स्टैंडर्ड बुक ज्योग्राफी की हो गई, तो हर एक सब्जेक्ट की मैंने एक स्टैंडर्ड बुक सिलेक्ट करी और बार बार मैंने स्विच नहीं किया दूसरी बुक्स पर। जैसा कि आपने प्रिपरेशन का मुझे बताया था कि 2018 से स्टार्ट किया था, लगभग अगर देखा जाए तो 5 से 6 साल हो चुके हैं। कभी फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है तो क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ? मेरी फैमिली की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था, फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव रही है, उन्होंने हमेशा मुझे इनक्रेज किया है कि हमें तैयारी आगे करना है। लेकिन कई बार ऐसे मोमेंट्स आए कि मुझे ही लगा कि अब मुझे तैयारी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 से 6 साल हो गए थे, और स्वाभाविक है कि हमें लगने लगता है कि अब इतना ज़्यादा समय तक कैसे उसे हैंडल करें, और रिज़ल्ट भी नहीं आ रहे हैं, रिज़ल्ट भी काफ़ी पेंडिंग थे, कई बार एग्ज़ाम का शेड्यूल भी गड़बड़ रहा है। तो इसके लिए लास्ट ईयर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप टू सब ग्रुप 4 का, तो मैंने सोचा कि इसमें मुझे ट्राई करना चाहिए, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था एज अ बैकअप की तरह, कि एक जॉब मेरे पास हो जाए सिक्योरिटी के लिए। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था, जिसकी अभी मैं यहाँ पर भोपाल में ट्रेनिंग कर रही हूँ। जैसे MBBS की जो भी प्रिपरेशन करते हैं तो क्या साथ में बैकअप प्लान होना सही रहता है या फिर क्या लगता है इस पर? इसमें मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में अगर हमने सोचा है कि हमें MBBS की प्रिपरेशन करनी है तो 2 से 3 साल तो हमें डेडिकेटेडली देना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन इतनी लंबी है, प्रिलिम्स है, फिर मेंस है, देन इंटरव्यू है, तो अगर आप और किसी तरफ जाएंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन थोड़ा हो सकता है, वो प्रिपरेशन के लिए शायद अच्छा नहीं रहेगा। तो आप 2-3 साल अच्छे से डेडिकेटेडली प्रिपेयर कीजिए, फिर उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है या जो भी कारण रहे तो आपको उसके बाद थोड़ा सा सोचने लगना चाहिए दूसरे ऑप्शंस के लिए। अगर सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है, तो कैसे क्या उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। सोशल मीडिया का तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी थी, फेसबुक पर भी थी, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करती थी, बहुत कम मैं उसे ओपन करती थी। अभी सिलेक्शन के बाद मैंने वहाँ पर इंस्टाग्राम पर आईडी ओपन की है, और जैसे कई लोग मैनेज कर लेते हैं, आप देखेंगे कई लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अगर मैनेज कर पाए तो ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि हमने जैसे कुछ भी ओपन किया सोशल मीडिया साइट, उसमें हम 2-3 घंटे स्क्रॉल करे जा रहे हैं और वहाँ पर हमारा माइंड जो है वो मान नहीं रहा है और लगे हुए हैं 3-4 घंटे, तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप बिल्कुल फिर उसे बंद कर दें। जैसे प्रिपरेशन में बोलते हैं कि इंटरनेट का यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जहाँ पे आप कुछ नोट्स वगैरह में हेल्प लगे। मैंने तो बहुत यूज़ किया है इंटरनेट का, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें मार्केट में जो बुक्स आई हैं उनमें हमें नहीं मिल पाती थी, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक सर्च किए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स की तैयारी तो मैंने टोटली इंटरनेट पर डिपेंड होके की है। कैसे करते थे, अगर थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहें आप? उसके लिए जैसे कि कोई भी टॉपिक है तो हमने वो टॉपिक लिखा, जैसे कि अहिल्याबाई होलकर हैं, तो वो हमने डाला
और उसके साथ में अगर MPPSC हमने ऐड कर दिया तो वहाँ पर हमें साइट्स मिल जाएंगे कुछ उससे रिलेटेड है, या विकिपीडिया जैसे एक पॉपुलर साइट है वहाँ पर अगर हमें कुछ कंटेंट मिल जाए तो मैं 2-3 साइट देख लेती थी जहाँ पर भी मुझे अच्छा कंटेंट मिलता था, वो अपने नोट्स में मैंने ऐड कर लिया और फिर बस उन्हीं से पढ़ाई की। बाकी कुछ जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं तो उसमें UPSC की कुछ वेबसाइट्स बहुत यूज़फुल होती हैं, तो वहाँ पर मैं लिख के जैसे कि अल नीनो लिखा साइड में UPSC तो वहाँ पर बहुत सारी साइट्स खुल जाती हैं, तो उनमें से जो जिसकी भी अगर हमें लैंग्वेज कंफर्टेबल लग रही है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उससे हमने डेटा ले लिया। किसी का सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, आपको इतना टाइम लगा, क्या जान सकता हूँ किस रीजन की वजह से आपको इतना टाइम लगा? इसमें देखिए मैंने तैयारी तो की थी शुरू 2018 के जून में ग्रेजुएशन के बाद। 2019 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स हुआ था जनवरी 2020 में और मेंस उसका हुआ 2021 में एंड इंटरव्यू 2022 में और रिजल्ट आया 2023 में। तो आप देखिए एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी थी तो मेरी तरफ से हो सकता है इतना समय नहीं लगता अगर एग्ज़ाम प्रोसेस जो है वो सही रहती तो वो प्रोसेस के हिसाब से मुझे इतना समय लग गया। एस्पिरेंट की क्वेरीज रहते हैं कि हमें कुछ बुक लिस्ट बता दीजिए कि आपने क्या क्या फॉलो किया था, तो जो स्टैंडर्ड बुक है आप मुझे वो बता दीजिए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, तो मोटा मोटा बता दीजिए कि क्या क्या फॉलो किया था आपने। देखिए मैंने हिस्ट्री के लिए जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके लिए आर एस शर्मा जी की एक बुक आती है ओल्ड NCERT वो मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री है उसके लिए सतीश चंद्र जी की किताब और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी है। ज्योग्राफी में महेश कुमार बर्णवाल सर की किताब आती है वो पढ़ी है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत जी की बुक। इकोनॉमी के लिए श्री राम IAS की किताब आती है वो UPSC के लिए होती है वो मैंने पढ़ी है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की किताब आती है वो, और बाकी जो अलग यूनिट्स हैं जैसे कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है या हेल्थ का टॉपिक है तो वो मोस्टली इंटरनेट बेस्ड मैंने उसमें तैयारी की। प्री के लिए बोला जाता है कि MP एक बुक से कवर नहीं होता है, प्री के लिए मैं कहूँगी मैंने कुछ मल्टीपल बुक्स का यूज़ किया था, बाकी जो है उनके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड बुक रखी। अच्छा, अगर कोई पब्लिकेशन हो तो नाम ले सकते हो आपकी। MP के लिए मैंने मुकेश महेश्वरी जी की किताब आती है एक इंग्लिश मीडियम में ली थी वो। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए जैसे पुणेकर है जैसे कि मेरे 3-4 अटेम्प्ट हो गए थे तो एक अटेम्प्ट में मैंने पुणेकर की किताब पढ़ी, एक में महावीर की किताब पढ़ी, क्योंकि वो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं तो अगर आप मल्टीपल बुक से भी करें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं जाती है। और इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब है वो भी पढ़ी थी, तो ये कुछ 3-4 बुक्स मैंने यूज़ करी। कोई 3 फैक्टर ऐसे बताइए मुझे आप जिन्होंने आपको DSP बनाया है। एक तो मैं ये कहूँगी कि संयम बहुत ज़रूरी है, दूसरा धैर्य, क्योंकि इतना लंबा समय लग गया है अगर आप में धैर्य नहीं होगा तो फिर आप इतने लंबे समय तक हैंडल नहीं कर पाएंगे सिचुएशन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हमें डाउन फीलिंग्स भी आती हैं, ऐसा भी लगता है कि हम तैयारी अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो एक धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। और प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुशासन जी। अनुशासित रहकर अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपको कभी ना कभी सफलता मिलती है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मुझे कि किस टाइप का आप मतलब डिसिप्लिन बोलना चाह रहे हैं? डिसिप्लिन कुछ ऐसा कि आप जैसे कि आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक आज करने हैं तो वो टॉपिक आपको हर हाल में कवर कर लेना है। दूसरा ये कि आप शेड्यूल बनाएं कि इस दिन मुझे ये करना है, आगे मतलब आपकी वीकली प्लानिंग हो जाए या मंथली प्लानिंग हो जाए। और डेली अगर हमें सुबह उठने का है तो हम टाइमली उठें, टाइमली सोएं, इस तरीके का अगर हम शेड्यूल फॉलो करते हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ती है। अच्छा, आप डेली जो पढ़ते थे एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ते थे, मतलब कैसे पढ़ते थे? सब्जेक्ट में मैं एक सब्जेक्ट नहीं, मैं 2 सब्जेक्ट लेकर चलती थी, क्योंकि अगर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कई बार हम बोर फील करने लगते हैं, आखिरी में हम वो सब्जेक्ट रख के फिर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसा कई बार होता है। तो मैं 2 सब्जेक्ट रखती थी, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ मैंने ज्योग्राफी रख लिया, पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो कोई दूसरा सब्जेक्ट रख लिया, तो 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ती थी। एक हमारी लाइफ जो स्ट्रगल रहता है हर स्टूडेंट की लाइफ में रहता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जैसा कि आपने बताया कि गिव अप करने का होता है, एक ऐसा मोमेंट बताइए और एक ऐसा मोमेंट जब सबसे ज़्यादा आपको अच्छा फील हुआ कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा फल। गिव अप करने का तो जैसे कि अभी 2021 का मेंस जो होने वाला था उससे पहले का टाइम है, उससे पहले कोई भी एग्ज़ाम का ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि एग्ज़ाम होगा। 2021 का मेंस भी काफ़ी डिले हो गया था क्योंकि प्रीलिम्स हुआ था 2022 में, मेंस हुआ 2023 में। प्रीलिम्स हुआ उसके बाद का जो टाइम था तब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि मेंस का भी पता नहीं है और शेड्यूल का भी पता नहीं है कब क्या होगा, तो उस टाइम मुझे लगा था कि अब मुझे और कुछ देखने लगना चाहिए। लेकिन फिर
कुछ ऐसा शेड्यूल आया कि एग्ज़ाम के एक एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम, तो फिर वो प्रोसेस में जो मैं लगी तो फिर कंटिन्यू करती गई। और कोई ऐसा मोमेंट जो आपको जहाँ पर मतलब जहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा वो तो मैं कहूँगी कि सिलेक्शन के दिन ही लगता है। अच्छा। जब रिज़ल्ट आया तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अब जो इतने साल का स्ट्रगल था, इतने साल की मेहनत थी, फाइनली वो सफल हो गई। आपकी फैमिली में भी जैसे आप DSP बने, ऐसे कुछ मतलब फैमिली से बैकग्राउंड रहा कि ऑफिसर बने हैं ऐसा कुछ, या फिर जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से कुछ उस एरिया से? जी उस एरिया से तो नहीं है कोई। मेरी फैमिली में पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग रहे हैं, जैसे MPPSC के लिए तो किसी ने प्रिपेयर नहीं किया। मेरे नाना जी थे वो ऐसे ही रहे थे, और मेरे मामा मौसा जी वगैरह सब पुलिस में हैं। आपकी तरफ से कोई एडवाइस हो जो भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं कि आपने जो गलतियाँ की, या फिर वो शेयर करना चाहिए कि आप इन गलतियों का ना करें ताकि एक कम समय में आप सिलेक्शन ले सकते हैं? ये मेरा यही कहना रहेगा एस्पिरेंट से कि निरंतर आप तैयारी करते रहें। कई बार आपको डाउन फीलिंग्स आएंगी, आपको लगेगा कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, और आपने जो भी गलतियाँ की हों उन पर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वन अटैम्प्ट के बाद दूसरा तीसरा अटैम्प्ट देते जाते हैं, हम अपनी गलतियों पर काम नहीं करते। तो हमें अपनी गलतियों को समझकर एनालाइज करना है कि हमारी प्रिपरेशन में कहाँ पर गलती जा रही है, और उन गलतियों पर हमें काम करना है तो निश्चित ही हमें आगे सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे उम्मीद है कि जो भी आपने आपकी जो प्रिपरेशन या स्ट्रेटजी जो भी शेयर करी है उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, हेल्प होगी कि आप भी इस टाइप से अगर नोट्स बनाना नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं, जैसे मैम ने बताया कि इस टाइप से नोट्स बना सकते हैं, कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, सारा कुछ कोशिश किया है कि आपको एक इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। जो मैम की कॉपियाँ वगैरह है, अगर आपको वीडियो में क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से देख के आप देख सकते हो कि कैसे क्या आंसर राइटिंग करते थे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।